वालेकुम दोस्तों, क्या हमें ठीक ठाक है? ग्रीन से उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पोल्ट्री डिजीज के ऊपर पढ़ रहे हैं और इसकी पोल्ट्री डिजीज जो है NDDC के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो पहला लेक्चर हमारा हो चुका, क्योंकि ये ढाई लेंथी टॉपिक है। इसलिए इस लेक्चर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहले टॉपिक में पहले लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर का जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो शुरू करते हैं आज की इसकी पैथोजेनेसिस। पहले हमने सिस्टम पढ़ा थे, कौन कौन से सिस्टम के ऊपर पैक करते हैं। आज इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। पैथोजेनेसिस में इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन इसमें नहीं होती, और इसमें होती है सिर्फ उससे ट्रांसफर ट्रांसमिशन। ट्रांसफर ट्रांसमिशन में ये है कि ये फीसेज हो गया, कंटामिनेटेड फीसेज, जो वाटर हो गया, कंटामिनेटेड फीड हो गया, उससे भी इंटर होती है। कब? जब कोई फॉरन पार्टिकल हो गया जो आपके शेड के अंदर इंटर होता है, तब ये इसकी वहाँ से इसकी ट्रांसफर ट्रांसमिशन होती है। ट्रांसफर ट्रांसमिशन में ये है कि ये कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है, GIT सिस्टम या नर्वस सिस्टम के ऊपर, पैथोजेनेसिस के ऊपर, ये कैसे पैथोजेनेसिस है इन तीन सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो जब ये वायरस इंटर होता है होस्ट के अंदर, जब ये इंटर होता है, फॉर एग्जांपल ये रेस्पिरेटरी ट्रैक और म्यूकोसा के जरिए इंटर हो जाता है, तो क्या करें, इसकी वायरस की रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है विदिन थ्री टू सेवन डेज। तो जब ये इसकी वायरस की रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, तो इसे हम फर्स्ट वैरीमिया कहते हैं। वायरस की रिप्लिकेशन जरूर याद रखिएगा स्टार्ट होती है ब्लड के अंदर, तब हम इसे कहते हैं फर्स्ट वैरीमिया, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब जाती है GIT सिस्टम के अंदर, जो फर्स्ट वैरीमिया है, जब ये GIT सिस्टम के अंदर जाता है, GIT सिस्टम के अंदर जाने के बाद, फिर यहाँ के GIT सिस्टम के अंदर इसकी वायरस की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होती है। मल्टीप्लिकेशन के साथ जब ये इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होती है, तब इसके क्लिनिकल साइन शो होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी और GIT सिस्टम के भी साइन सिम्टम जो होते हैं वहाँ पर इसकी शो हो जाती है सेकेंड वैरीमिया के अंदर। जब ये सेकेंड वैरीमिया इंटर होता है, फिर ये सेकेंड वैरीमिया इंटर होता है नर्वस सिस्टम के अंदर। फिर नर्वस सिस्टम के अंदर इंटर होने के बाद ये नर्वस साइन शो करता है। तो नर्वस साइन शो करने के बाद, अच्छा, बात है इसके फैक्टर, फैक्टर कौन कौन से हैं जो इस डिजीज कंडीशन में हेल्प करते हैं। तो फैक्टर हैं इसके, जैसे कि आपको बताया था कि इसके टियालोजी में तीन, इसका वायरस है, वायरस के अंदर तीन स्ट्रेन हैं, वेलोजेनिक, मेजोजेनिक और लेंटोजेनिक। अब कौन सा फैक्टर जो है ज़्यादा कंटेजियस है, कौन सा मॉडरेट और कौन सा माइल्ड। तो बात करते हैं वेलोजेनिक की। वेलोजेनिक इंतहाई हाईली कंटेजियस है, और मेजोजेनिक मॉडरेट है, हो भी सकता है नहीं। और ये जो है लेंटोजेनिक, ये माइल्ड है, बहुत कम कंडीशन में देखने में आया, माइल्ड है। इसका स्टार्ट में अटैक होता है लेंटोजेनिक, फिर मेजोजेनिक, फिर वेलोजेनिक में चला जाता है। याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये एक एक करके हों, इन तीनों का एक एक करके अटैक हो, ज़रूरी नहीं है। ये तीनों हो सकते हैं एक ही बॉन्ड के अंदर सब कुछ शो कर जाए, ठीक है, तीनों सिस्टम के ये अंदर हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब इसका जो फैक्टर है, इसका बहुत बड़ा फैक्टर है, जब बर्ड है, दूसरा पैरास्पोटिका है, इसका रूट ऑफ एंट्री है, इसकी रूट ऑफ एंट्री जो है वो है रेस्पिरेटरी रूट है, जिसको मेजर रूट है, ठीक है। और इसका हेल्थ स्टेटस ऑफ बर्ड है, अगर हेल्थ स्टेटस आपका अच्छा ना हो फैक्टर के अंदर, तो भी इसका बड़ा हो है। अगर हम बात करें पोस्टमार्टम रीजन के अंदर, तो पोस्टमार्टम रीजन में इसके पैराऑर्बिटल एरिया जो स्वेल हो जाता है, आँखों की स्वेलिंग हो जाती है। आप जब चेक करेंगे पोस्टमार्टम में, स्टार्ट करते हैं शुरू से, तो आँख या हटाएंगे तो पोस्टमार्टम में पैराऑर्बिटल एरिया जो होगा वो स्वेल हो चुका होगा। और जब आप ट्रेके को ओपन करेंगे, ट्रेके के अंदर आपको ब्लड के हेमरेजेस नज़र आएंगे, कंजेशन नज़र आएगी बहुत ज़्यादा। फिर आप जब जाएंगे ट्रेके के बाद आपको वेंटिकुलस को जब ओपन करेंगे, वहाँ पर भी आपको पिन पॉइंट हेमरेजेस नज़र आएंगे ब्लड के। आप फिर जाएंगे गीजेट के अंदर, गीजेट के अंदर भी आपको ये नज़र आएंगे साइन। और फिर आप जब जाएंगे स्प्लीन के ऊपर, स्प्लीन के ऊपर जब जाएंगे, तो स्प्लीन भी इलाज हो चुकी होगी। और जब आप इसका ब्रेन ओपन करेंगे, ब्रेन ओडिमेटस हो चुका होगा, ओडिमा बन चुका होगा, ठीक है, वहाँ पर भी ब्लड के निशान आ चुके होंगे। याद रखिएगा, H9 में भी बन जाता है, लेकिन अगर आपको ND और H9 के साइन सिम्टम पता होंगे, तो आप इनका ईजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इतने बहुत मेजर फ़र्क है इन दोनों में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इस लेक्चर को सुनने के बाद ईजीली डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, ठीक है। अगर आप बात करें इसकी फिजिकल साइन की, देखें आप, फिजिकल साइन ये है कि हेड ट्विस्टिंग हो चुकी है, बर्ड की हेड ट्विस्टिंग हो जाती है, टर्टिकुलस मूवमेंट होती है, जबकि फिर ये पीछे की तरफ ये गर्दन घुमा के घूमता है, ठीक है। और पोस्टमार्टम जब आप करते हैं, तो पोस्टमार्टम के जब अंदर जब आप गीजर को ओपन करते हैं, तो ये आपको निशान नज़र आते हैं प्रोवेंटिकुलस के, ये आपको नज़र आ रहा है निशान प्रोवेंटिकुलस में। प्रोवेंटिकुलस के बाद जब आप गीजर की तरफ जाएंगे, तो ये आपको वहाँ पर भी पिन पॉइंट हेमरेजेस नज़र आएंगे ब्लड के। और जब आप इसके बाद क्लीनिंग डार्क चुकी हो चुकी होगी, स्प्लेन के बाद जब आप आएंगे इंटेस्टाइन के ऊपर, इंटेस्टाइन के अंदर भी आपको सीकर के अंदर भी निशान आएंगे नज़र, और जब पूरे इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं बड़े थोड़े से निशान नज़र आएंगे, ठीक है। तो जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पर भी आपको ऐसे देख नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए यहाँ पर भी ये ब्लड की कम्पोजिशन हो चुकी है, इससे हेमरेजेस बन चुके हैं, ठीक है। और
इसी अगर आप क्लिनिकल डायग्नोसिस करना चाहेंगे तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में इसके चार टेस्ट हैं, एक एच आई है, दूसरा एच ए है, तीसरा एलाइजा और तीसरा आरटी है। अगर आप इसकी कंट्रोल की बात करेंगे तो इसका बहुत मेजर कंट्रोल ये है कि अगर बायोस्कोटी आपकी अच्छी है तो आपका जो ना शेड का मसला नहीं है वो, और वायरस के इंटर होने का कोई ख़तरा नहीं है। और इसमें बायोस्कोटी में आपको विजिटर को कंट्रोल करना होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कोई डिजीज़ या डेड बर्ड जो है वो आपको रिमूव करने होंगे अपने शेड से, और इसकी वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन वो अभी आपको करनी होगी। प्रॉपर वैक्सीनेशन याद रखिएगा ये पहले की जाती है, ऐसा ना हो कि आप जब आपके शेड के अंदर एनडी के साइन आ चुके हों और आप वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दें, तो ख्याल रखिए अगर उसके बाद आपके एनडी के साइन आएंगे नहीं, आ चुके होंगे और इंतहाई ख़तरनाक किस्म के आएंगे। फिर अगर आप इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी वैक्सीनेशन हमेशा स्टार्ट में की जाती है। इसकी वैक्सीनेशन ये है लेंटोजीन स्ट्रेन B1 लेसोटा वैक्सीन है, ये आप थ्रू ड्रिंकिंग वाटर करवा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर वो आपकी लिखी होगी कौन कितने पानी में कितनी वैक्सीन इस्तेमाल करनी है, वैक्सीन के ऊपर लिखा होगा। और अगर आपके बर्ड के अंदर, हाँ, आप 14 से 15 दिन तक इम्यून बूस्टर इस्तेमाल करें, खुदा ना खासा अगर आपके बर्ड के अंदर ये साइन आ चुके हैं तो भी आप इम्यून बूस्टर ही इस्तेमाल करें। उसमें बी कम्प्लेक्स हो गया और अच्छा जो इम्यून बूस्टर है ई सेल हो गया, हाई एम ई वाइटाल है, ठीक है। और अगर आप साथ देना चाहें स्पोटम के साथ इंडेक्सा और जेंटा का कम्बिनेशन करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रीटमेंट में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ आया हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। एक और बात, आप मैं इसका लिंक जो है ना पहले लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।